रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज, सच की आवाज। हमीरपुर जिले के मौदा क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए आज बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना ने मौदा उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें ये निवेदन किया गया कि अगर लोगों को पेयजल की समस्या हल नहीं की गई तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं बुंदेलखंड नवनिर्माण। चक्का जाम जैसी समस्याएं होती हैं, क्योंकि पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते। विशेष रूप से हमने समय दिया है कि बहुत दिनों से चली आ रही है, हम लोगों ने कई बार इस पर अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने आज तक हमारी बात को नहीं सुना है। अब मजबूरन हम लोगों को आज एकजुट होकर के यहाँ पर आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। हमने प्रशासन को बतला दिया, यदि अभी भी ये लोग नहीं चेते तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। परसों के दिन शहर में बहुत ग्रामीणों ने पूरा चक्का जाम कर दिया था, शायद आप लोगों को भी अवगत है। तो अभी ये समस्या SDM साहब भी वहाँ गए थे, आश्वासन ही दिया है जब तक इस बार अगर कोई ठोस कार्य नहीं होता तब तक तहसील में हम लोग आंदोलन के लिए विवाद है, उसकी सूचना दे दी गई है। जब तक समस्या नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग जो है चाहे आमरण अनशन करना पड़े वो भी किया जाए। यहाँ पर जब तक खनन बंद नहीं होगा पानी का स्टेटस दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। यहाँ पर ओवरलोड इतना निकलता है, सड़कें टूट रही हैं, पाइपलाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो रही हैं, तो क्या प्रशासन मूक दर्शन बन करके यहाँ पर देखने के लिए बना हुआ है? यदि अभी भी प्रशासन नहीं चेतता तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो होगा हमसे हम वो करेंगे, क्योंकि बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं, ये आज हमने प्रशासन को बता दिया। क्या समस्या को लेकर तहसील आए हुए हमारे नायपुरा चौली में पेयजल की गंभीर समस्या है जी। वहाँ कुओं से लेकर हैंडपम्प में सारा पानी ही निकलता है जी। और दो वर्ष पूर्व हमारे यहाँ 5.5 करोड़ शासन से मंजूरी मिली, जो अभी बैंकों में ही डंप है, जिसको ग्रामीण देख रहे हैं कि पैसा आ चुका है लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ, ना पानी की टंकी बनी, ना अभी ट्यूबवेल भी बनी। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, पानी की टंकी बने, पेयजल की समस्या दूर होती। और अभी पानी की क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? अभी पानी दूसरे गांव से लाया जाता है। पानी कितना दूर पड़ता है वो गांव? 5 किलोमीटर दूर, अधार से खुशी से। किस तरह लाते हैं पानी? ये अपना साइकिल में आते हैं, बैलगाड़ी में होता है, ट्रैक्टर में आता है।